तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर आलू की रेसिपी, मटर आलू की सब्जी। तो जिसके लिए ना मैंने यहाँ पे आलू ले लिए हैं कुछ, जिनको मैंने पील ऑफ कर लिया है, और साथ में मैंने इनको अच्छे से छोटा छोटा काट दिया है। और साथ में मैंने मटर ले लिया, और मटर मेरी फ्रोज़न मटर है, और आप चाहें तो वैसे भी ले सकते हैं, बट गर्मियों में वैसी मटर मिलती नहीं है इसलिए मैंने फ्रोज़न ली थी। साथ में छौंक के लिए मैंने यहाँ पे चार पांच टमाटर सॉरी चार पांच प्याज ली हैं, और एक टमाटर, कुछ लहसुन और कुछ मिर्ची और थोड़ा सा अदरक। इन सब चीज़ों को मैंने काट लिया है और एक ही साथ मिक्सी में पीस लिया है। इसके बाद इसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया है मैंने, आप देख सकते हैं। इस पेस्ट को फिर हम अपनी कढ़ाई में सबसे पहले ऑयल डालेंगे। तो ये सबसे पहले मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, आप जितना ऑयल खाते हो उस हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा कम इस्तेमाल किया है। फिर उसके बाद हम इसमें एक कटोरी में अपना मसाला तैयार करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और साथ में एक चम्मच भर के मैंने नमक डाला है। आप स्वाद अनुसार डालिएगा नमक, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा, कम खाते हैं तो कम। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, जिससे कि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से भीग जाएंगे, और मसाले अच्छे से भीग जाएंगे तो उनका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो फिर मैंने तेल में थोड़ा सा जीरा डाल के अपने ही सारा जो प्योरी थी वो डाल दी है जो मैंने बनाई थी। उसके बाद इसमें हमने अपना मसाला भी ऐड कर दिया है। अब ये सब चीज़ें एक साथ पकेंगी जब तक कि तेल रिलीज़ ना कर दे और इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। तो आप देख सकते हैं इसने तेल भी रिलीज़ कर दिया है, कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। और उसके बाद फिर मैंने इसमें अपनी मटर और आलू ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये सब्जी बहुत ज़्यादा यम्मी बनी थी, और आई होप आप सबको भी बहुत अच्छी लगेगी अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब इसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और उसके बाद इसमें आप अपना जितना आप इसका करी चाहते हैं उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे इसमें 2 ग्लास समथिंग पानी ऐड करा है, मैं थोड़ा पतला रख रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ा और थिक कर सकते हैं। और देखिए सब्जी कितनी ज़्यादा यम्मी लग रही है। अभी तो इसको थोड़ी देर हम अच्छे से उबालेंगे, लगभग मैंने इसको 10 मिनट स्लो गैस पे पकने दिया है। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है, और उसके बाद ही इसने साइड में तेल भी छोड़ दिया, सेपरेट कर दिया है, और ये बहुत ज़्यादा यम्मी लगेगी टेस्ट में आपको। और इस समय आप इसका नमक वगैरह चेक कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको अगली रेसिपी किसकी चाहिए और ये आपको कैसी लगी। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए मैं चेक कर लेती हूँ, हमारे आलू तो बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं और मटर भी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। जब तक के लिए आप सबको बाय बाय।